हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन ऐप पर। उठो जागो, सवेरा हो गया, पछताओगे जब अंधेरा हो गया। तो हमारा ये सेशन चल रहा है रेशो का। रेशो में हम पहले तीन वीडियो देख चुके हैं। कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो पहले हमने तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो तीन वीडियो को देख लो आप आराम से, ठीक है। फिर ये फोर्थ वीडियो, जिसमें आपको दिख रहा होगा 76 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 75 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, 75 क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, आज हम फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, बेशक बैंक हो, रेलवे हो, पटवार हो, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स पार्ट कवर होने वाला है, तो आप इन वीडियोस से, इन लेक्चर से आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी मैथ्स को कवर कर सकते हो। मैंने फिर बता दूं कि आप इनसे कम से कम इससे रेशो तो कवर करोगे ही करोगे, रेशो कवर करोगे ही करोगे, पार्टनरशिप कवर होएगी, मिक्सचर एंड एलिगेशन कवर होने वाला है, एज वाला चैप्टर कवर होने वाला है, ये सारे के सारे चैप्टर कवर होने वाले हैं। इनके मैं लगभग आपको 600 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और मैं रेशो के आपको 170 क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूँ। 170 में से मैं 76 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बक्से में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ए बॉक्स कंटेन 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 8:5:3। ठीक है जी, जिसमें अपने को कुल राशि कितनी दे रखी है, कुल राशि दे रखी है 112.50। तो अपने पास 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है जी, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब सिक्कों की संख्या कितनी है अभी, 8, 5 और 3। 1 रुपये के 8 सिक्के का मतलब 8 रुपये, 50 पैसे के 5 सिक्के का मतलब 2.5 रुपये और 25 पैसे के 3 सिक्के का मतलब 75 पैसे। 8 और 2 10, 50 और ये 1 रुपया और बन जाएगा 11, 11 रुपये और 25 पैसे, 11 रुपये और 25 पैसे। हमने कहा हमारे पास हैं 11 रुपये 25 पैसे, और ये हमें क्या कहना चाह रहा है, ये हमें कहना चाह रहा है कि मेरे पास हैं 112.50। तो एक की वैल्यू कितनी आने वाली है, 10। यदि एक की वैल्यू 10 आने वाली है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5। 1 बराबर 10, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो अपना आंसर क्या आने वाला है, 50। देखो ये क्वेश्चन मैं कम से कम 5 से 6 बार पहले आपको करवा चुका हूँ। आप पहले वाली वीडियो से बिल्कुल कंसेप्ट वाइज इसको देख सकते हैं, और किसी भी बच्चे को, जैसे मैं 170 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप क्या करो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम का लिंक भी है, आप उन्हें ज्वाइन करो और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इन क्वेश्चंस का। आप आराम से घर बैठ के भी आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, या शीट अपने पास रख के, या नोट्स बनाना चाहते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है भी क्या, यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए, 361 रन, ए और बी का रेशो, बी व सी का रेशो 3:2 है, तो ए रेशो बी रेशो सी निकाल लेंगे पहले हम। ए बी भी 3:2 दे रखा है और बी सी भी 3:2 दे रखा है, जिससे हमारा रेशो बनने वाला 3 को इधर खिसका देंगे, 2 को इधर खिसका देंगे, तो 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, तो रेशो बन गया 9:6:4, 9:6:4। ठीक है जी, 9:6:4 की वैल्यू अपने को दे रखी है 361, 9 + 6 = 15, 15 + 4 = 19, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 = 361, तो 1 = 19। ए द्वारा बनाए गए रन 19 को 9 से गुना कर देंगे, तो 19 नया होता है जी 171, तो अपना आंसर आ गया 171। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो 78 नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन, इस वीडियो को पॉज कर दें और क्वेश्चन को अपने आप से करो।
अपने आप से बनाने की कोशिश करो, फिर आपको अपनी अहमियत, अपनी क्वालिटी का पता चलेगा कि हाँ भी आप क्या कर पा रहे हो या क्या नहीं कर पा रहे हो, कि इस वीडियो में आप कुछ सीख भी पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को करवाता हूँ, आपने वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करना है क्वेश्चन कैसे होगा। यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्र 25:4 में है, पास पता है कितने हैं, फेल कितने हैं, कोई बताएगा? पास और फेल को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? टोटल। ठीक है जी, तो टोटल कितने हैं? 25x 4x = 29x। समझ गए बात को? यदि 5 छात्र और आ जाते हैं वे फेल छात्र 2 कम हो जाएं, तो पास हुए छात्र व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। ठीक है जी, 25:4 और ये बन गया 22:3। 22 और 3 कितना होने वाला है? 25। ठीक है भैया, अच्छा एक बात बताओ मुझे अब आप, कि जो 5 बच्चे और आए हैं, जो 5 बच्चे आपके पास और आए हैं, वो किस में आए हैं ये बताओ? 5 छात्र और आए हैं, पास में जुड़े हैं 5, फेल में 5 जुड़े हैं, पास में 5 बंदे जुड़े हैं, फेल में 5 बंदे जुड़े हैं, या टोटल में 5 बंदे जुड़े हैं? तो सर आपको साफ साफ पता है कि जो 5 बंदे और आए हैं वो टोटल में आए हैं, तो 29x + 5। ठीक है जी, और फेल होने वाले कितने हो गए? 4x - 5। फेल होने वालों की संख्या कितनी कम हुई है? 2 कम हुई है अभी, फेल होने वालों की संख्या 2 कम हुई है। अब टोटल के सामने टोटल का रेशो, टोटल का नया रेशो 25, फेल का नया रेशो 3। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर। ठीक है भाई, 3 का गुना करेंगे तो 29 * 87x, 29 * 3 कितना हो जाएगा भाई? 87x प्लस 5 * 3 = 15, 25 * 4 = 100, 25 * 2 = 50। ठीक है भाई, अब 100x में से 27x जाएगा तो आपके पास बचने वाला है, एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन, इसको लिखना 22 22, दोबारा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, एक सेकंड सिर्फ वेट कीजिए। इसको अपन ने क्या लिखना है? 22/3, टोटल के सामने टोटल ही आएगा, तो 25 ही आना था, फिर गलती कर रहे हैं अपन, 25 ही आएगा, टोटल के सामने टोटल आएगा और फेल के सामने फेल आएगा। 3 का गुना इधर, 29 * 27 29 * 87, 87x, 5 * 3 अच्छा यहाँ आप 27 लिख दिया था पहले, 15, 25 * 4 = 100, 25 * 2 = 50। अब 100x और 87x का जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास बचने वाला 13x, ये बनेगा 13x, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 माइनस का 50 इधर जाके 15 में जुड़ेगा तो आने वाला 65, तो अपने पास आया 13x = 65, तो x का मान आ गया 5। यदि x का मान 5 आ गया तो 29x का मान उसने पूछा है, 29 * 5 = 145, 145, तो आंसर क्या आने वाला है? 145। समझ गए भी बात को, आगे बढ़ते हैं। लो जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे? कमेंट बॉक्स में आंसर दें जरूर मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा, और सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि ए बी और सी की वैल्यू आप 3 + 4 + 7 लिख दो, रेशो सी की वैल्यू लिख दो 7। ठीक है भाई, 7 और 4 = 11, 11 और 3 = 14, 14 = 7, 14 = 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 = 1, ए आपका ऑप्शन आ जाएगा 2 = 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 79 हो गया, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए एंड बी इन द रेशो 3:4, बी एंड सी इन द रेशो 12:13, ए एंड सी विल बी। तो आपको एक तो ये पूछा है भी, ए बी बी सी दे रखा है 3, 4, 12 और 13। ठीक है भी, कभी भी आप बात ये ध्यान रखना कि आपको दे रखा हो ना ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी दे रखा हो और पहला और लास्ट रेशो पूछ रखा हो, क्या पूछ रहे? देखो ये क्वेश्चन तो सबको आता ही है, ये क्वेश्चन तो सबको आता ही है, बहुत बार अपन कर चुके हैं पीछे, 79 क्वेश्चन कर चुके हैं, 79 में 5 से 6 बार ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आपको क्या पूछा हो? ए रेशो सी पूछा हो, तो ए रेशो सी कभी भी पूछा हो तो आपने क्या करना है? रेशो के नीचे पहले रेशो लिख लेना है, 3 4 3 4 के नीचे 12 13, 4 * 3 = 12,
तीन तिया नौ, 13 आंसर आ जाएगा, 9:13। ठीक है, वैसे आप सिंपल तरीके से भी कर देते हैं इसको, ए रेशो बी रेशो सी आपको दे रखा था 3, 4, 12, 13, 12 को इधर खिसका देते और 4 को इधर खिसका देते तो आपके पास बन जाता 12 3 36, 13 4 52, 36:52 को काटते तो 4 9 36, 4 को 52 से काटते तो 9, तो 9:13 बी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए भी बातों को, बढ़े आगे थोड़ा सा और। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन लो भी, बिल्कुल सिंपल सा इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जे भी बहुत क्लियर है, 2/3 ऑफ ए, मतलब ए का 2/3 बराबर बी का 75%। 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4 गलत हो गया ना, हाँ सही है, 75% ऑफ बी, 0.6 ऑफ सी, तो सी का 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 3/5। एक बार मैं थोड़ा सा इसको साइड में आपको बता ही देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि 75% है, परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लग जाता है, 100, 25 3 75, 25 4 100, तो ये बन गया 3/4। ठीक है, और 0.6 है आपके पास, 0.6 पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग गया, 10, 2 के पहाड़े से काटा 3 बार, 2 के बाद 3/5, समझ गए। तो इसके लिए मैंने इसको लिखा a into 2/3 इज इक्वल टू b into 3/4 इज इक्वल टू c into 3/5। समझ गए भी बात को, तो अब हमने क्या करना है, अभी सिंपल सी बात सुनना आप, एक छोटी सी है बिल्कुल ही, क्या बात करनी है अपन ने, कि अपन ने क्या करना है, ये आपको यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है 3 और यहाँ दिख रहा है आपको 4, समझ गए बात को। इसका एलसीएम लेके डिवाइड कर देना है, हमेशा ही जो ऊपर आपके पास ए बी सी होगा, पी क्यू आर होगा, एक्स वाई जेड होगा, उसके साथ जितने भी अंक होंगे उसका एलसीएम लेके डिवाइड कर दोगे, 2, 3 और 3 का एलसीएम बनेगा 6, 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा 6, तो मैंने क्या कर दिया 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, अब 6 से डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे, 2 को काटा 6 से 3 बार, 3 को काटा 6 से 2 बार, 3 को काटा 6 से 2 बार, तो नीचे बन गया 3 3 9, तो मतलब ए का वैल्यू आ गया 9, ए की ऑप्शन में पड़ा है, बी का वैल्यू आ गया 2 4 8, बी का वैल्यू आ गया 8, सी का वैल्यू कितना आ गया भाई, 5 2 10, तो आंसर आ गया 9:8:10। समझ गए बात को, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन हो गया जी अपने पास, हमने करना है 82। लो जी 82 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास, बहुत प्यार से और बहुत आराम से आपने इस क्वेश्चन को सीखना है, हर बच्चे का इस सवाल में डाउट है, आपको अब डाउट में नहीं रहना। हमें कहा भी यदि एक जार में 2 द्रव हैं ए और बी जिनका रेशो कितना है, 4:1, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर द्रव बी डाल दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, तो मिश्रण में शुरुआत में ए की मात्रा ज्ञात करें। अच्छा एक सिंपल सा बात करता हूँ मैं सिर्फ आपके साथ, कि मैंने आपको ये बर्तन दिया, इसमें मैंने आपको पानी डाल के दे दिया, ठीक है, ये मैंने पानी कहा, ये पानी 100 लीटर था, कितने लीटर पानी था, ये 100 लीटर पानी था, मैंने क्या किया, इस 100 लीटर पानी में से 20 लीटर पानी को बाहर निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, 20 लीटर जब पानी को बाहर निकाला तो इधर से मैंने 20 लीटर दूध दो डाल दिया, 20 लीटर दूध और डाल दिया, मिल्क डाल दिया। अब सारे बच्चे ये बोलने लगे कि सर ये तो 100 का 100 ही रहा, ये तो 100 का 100 ही रहा, 20 इसमें से निकला था और 20 इसमें आपने वापस फिल कर दिया, तो ये तो 100 का 100 ही रहा। तो स्टेप वन क्या होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि क्या होगा कि यदि आपने 10 लीटर मिश्रण निकाल कर 10 लीटर बी डाल दिया तो टोटल मिक्सचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने देखा भी ये शुरू में 4 1 था तो टोटल कितना था, 5, और 2 3 था तो टोटल कितना था, 5,
सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर वन क्या होगा इस क्वेश्चन में, आपने टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी जो है वो बराबर कर लेनी है। बोल के बताओ, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी जो है वो बराबर कर लेनी है। समझ गए अभी इतनी बात को, चार और एक पाँच इसमें भी है, चार और एक पाँच इसमें भी है, ठीक है जी। अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में ये करना है कि जो प्रोडक्ट आपने दोबारा मिलाया है, जोर के बोलो, जो प्रोडक्ट आपने दोबारा मिलाया है उसको छोड़ देना है, जो प्रोडक्ट आपने दोबारा मिलाया है उसको छोड़ देना है। क्या बोले, जो प्रोडक्ट आपने दोबारा मिलाया है उसको छोड़ देना है। हमने क्या मिलाया दोबारा, बी, तो बी पे मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस। दो स्टेप सीख लिए। पहला स्टेप क्या होगा ऐसे सवालों में, टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। बोल के बताओ, टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट दोबारा मिलाया जाएगा उसको छोड़ देना है। तीसरा स्टेप ये होगा कि जो प्रोडक्ट नहीं मिलाया गया उसमें जो परिवर्तन हुआ उसको चेक कर लेंगे। जो प्रोडक्ट दोबारा नहीं मिलाया गया या जो एक बार निकाला गया उसका रेशो चेक कर लेंगे। ये जो शुरू में चार था अब दो है, तो इसका मतलब आपने कितना निकाल लिया, दो, और निकाला किस पे, चार, इसका मतलब आपका मिश्रण जो है वो 1/2 अनुपात में चेंज हो चुका है। अब आपका मिश्रण किस अनुपात में चेंज हो चुका है, 1/2 में। तो हम कह रहे हैं हमारा मिश्रण 1/2 में चेंज हुआ है, और उसने साफ साफ कहा था कि मैंने तो 10 लीटर निकाला है। 1/2 की वैल्यू 10 है, तो टोटल कितना हो गया अभी, 20। यदि टोटल 20 हो गया तो हम तो कह रहे थे कि टोटल है 5। हम कितना कह रहे थे, टोटल कितना है, 5। यदि 5/20 हो गया तो 1/1 कितना हो गया, 4। यदि 1/4 हो गया तो 4/1 कितना होगा, 16। तो अपना आंसर कितना आने वाला है, 16। समझ गए भी इतनी बात को, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 83 नंबर क्वेश्चन, पढ़ के बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। यदि ए व बी दो मिश्र धातु हैं, सोने और तांबे के मिश्रण से बनाई गई हैं, यदि ए और बी में सोने व तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 है, यदि समान मात्रा में ए और बी को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा। अब एक बात सीखो भी छोटी सी, कि आपने करना क्या, ये 5 और 3 8 हो गया, ठीक है, और ये 5 और 11 16 हो गया। इन दोनों को मिक्स करना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, इन दोनों को मिक्स करना चाहता है, एक एलॉय बनाना चाहता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि इन दोनों को मिक्स करना चाहता है, और किस मात्रा में, समान मात्रा में, मतलब 1:1 इसका उठाना है और 1:1 ही इसका उठाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा ऐसे सवालों में, कि दोनों की क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। दोनों की क्या क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, बराबर। ये कितना है 8 और ये कितना है 16, तो आपने क्या करना है, 8 वाले को भी 16 कर देना। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6 और ये कितना है 5:11, ये भी 16 हो गया और ये भी कितना हो गया 16। अब एक एक रेशो उठा लाओ बस। इसमें से अपन ने क्या उठाया, सोना उठाया 10, सोना कितना उठाया 10, और इसमें सोना कितना है 5, 10 और 5 = 15। इसमें से हमने क्या उठाया, तांबा 6, इसमें से तांबा 6 और इसमें से कितना है 11, 6 और 11 कितने हो गए 17, तो रेशो क्या आ गया 15:17। समझ गए अभी बात को। अच्छा अब मैं आपको ये बात सिखाता हूँ, सीखना मेरी बात को। यहाँ समान मात्रा की जगह ना कई बार ऐसे आएगा कि दोनों, यदि समान मात्रा में ए और बी को मिलाया गया, यदि दो, यदि ऐसे कह दे कि ना 2:3 में दोनों को मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया गया, 2:3 में, तो इसके तो 2 रेशो उठाने हैं और इसके 3 रेशो उठाने हैं। पर पहला स्टेप वही रहेगा, पहला स्टेप आपका वही रहेगा। कौन सा पहला स्टेप रहेगा, कि टोटल कितना है 5 और 3 8, तो 8 को पहले 2 से गुना कर लोगे। 8 को 2 से गुना क्यों करोगे, पहले बताओ, 8 को 2 से गुना क्यों करोगे। 8 को 2 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि इसको हमने 16 बनाना है, ये 16 था, ठीक है भी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किस रेशो में मिलाना है, मान लो 2:3 में मिलाना है, किस रेशो में मिलाना है, 2:3 में मिलाना है। अच्छा मैं इसको 2 से गुना करता हूँ तो ये बन गया 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। अब मेरे पास जो रेशो बना ना, वो मेरे पास बन गया 10:6 और 5:11। अब इसके तो मुझे लेके आने हैं 2 रेशो और इसके लेके आने हैं
3:3, ठीक है। अभी जब इसके 2 रेशो लाऊंगा तो ये बन जाएगा 20 और 12, इसके 3 रेशो लाऊंगा तो 15 और 33। अब 20 में 15 जोड़ दो, 20 में आप 15 जोड़ दो और 12 में 33 जोड़ दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। देखते हैं आगे, अपने पास ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अब देखो भी 84 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास आया है, इसमें आपको क्या बताया गया है, दो मिश्र धातु सोने एवं चांदी किस रेशो में है, 7:22, 21:37, इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। इसमें तो वर्ड यूज किया गया किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है जी। अब मैं एक बात सीखना, जो अपने पास पहले वाला सवाल था ना, ये वाला 83, इसमें लिखा हुआ था कि इस अनुपात में मिलाया जाए। जब आपके पास वर्ड आए कि इस अनुपात में मिलाया जाए, तब तो आपने क्वांटिटी को इक्वल कर लेना है। जब आपको पास आए कि इस अनुपात में मिलाया जाए, तब तो आपने क्वांटिटी को इक्वल कर लेना है। और जब आपके पास जो सवाल हम कर रहे हैं ये आए, तब हमने क्या करना है, अब सीखना भी क्या करना है। अब कहता है भी किस अनुपात में मिलाया जाए, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो अपने पास आपने क्या करना है इस सवाल को करने के लिए, कि आपके पास सोना है और चांदी है, सोना चांदी चमन प्राश, अरे सोना चांदी चमन प्राश, ठीक है। तो सोना, तो या तो सोना इकट्ठा कर लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, या आपको चांदी इकट्ठी कर लेनी है। तो मैंने सोना इकट्ठा कर लिया, मैंने कहा भी सोना कितना है, इसमें तो है सोना 7, इसमें है 21 और इसमें कितना है 25, ठीक है भाई। मैं ले आया 7 सोना इसमें है, पर मैंने कहा भी 7 किस में से है ये बताओ, 7 किस में से है, 7 है भी 22 में से, 7 किस में से है 22 में से, और इसमें 21 किस में से है, 21 और 37, 7 और 1 8 2 और 3, इसको 29 कर दूंगा, 7 है 29 में से, 7 है 29 में से, टोटल 29 है ना भाई, 22 तो चांदी है, चांदी में से थोड़ी है, 21 है 7 और 1 8 3 और 58 में से, और मिश्र धातु 25/87। अब आपको बस ये सीखना है कि ऊपर तो आपने लिख लिया कि 7 है और नीचे लिख लिया टोटल, 21 है नीचे लिख लिया टोटल। अब आपने क्या करना सीखना भी, अब आपने बड़े वाले में से छोटे वाले का एलिगेशन लगा देना, बस इसमें से ये घटा देना, इसमें से ये। अब सर ये घटेगा कैसे, ये नहीं घटेगा, ये बन गया फ्रैक्शन रेशो। फ्रैक्शन रेशो को नॉर्मल रेशो में जब आप कन्वर्ट करते हो, फ्रैक्शन रेशो जब नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट होता है, तब आपको क्या करना पड़ता है, नीचे वाले जो दिख रहे हैं ना डिजिट, नीचे वाले जो डिजिट दिख रहे हैं, नीचे वाले डिजिट का क्या किया जाता है, एलसीएम लेके गुणा कर दिया जाता है। अब मैंने कहा भी 29 87 का तो 87 आ गया, 58 बच गया, तो अब अपन क्या करेंगे, 87 से कर लेंगे, 29 3 बच जाएगा, 29 2 बच जाएगा, तो 29 × 6 लिख देते हैं, 29 × 6 से सबको गुना कर देते हैं, 29 58 और 87, ठीक है। इसका यदि अपने को एलसीएम लेना है, तो अपन 87 लिया तो ये काट देगा, ये काट देगा, 3 और 2, ठीक है, तो ऊपर 2 और ले लेते हैं, इससे एक अपना काम बन जाएगा, ठीक है। 87 × 2 अपना एलसीएम आ जाएगा, 87 × 2, मैं इसको 87 × 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 87 × 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और 87 × 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इसको काटा, 29 3 87, 3 2 6 6 7 42, तो एक रेशो तो बन गया 42। अब ये कितना था, 87 × 3 29 3 87, 29 2 58, 2 से 2 कट गया, 21 3 63, 42 यहाँ बच गया, 63 यहाँ बच गया, ठीक है, 87 से 87 कट गया, 50 यहाँ बच गया, तो 42 63 और 50 अपने पास क्या आ गया, 42 63 और 50, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, कितना बन गया 13 और कितना बन गया 8, तो आंसर कितना आ गया, 13:8 में आपने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, समझ गए। एक बार इसको वापस बैक कर देना वीडियो को और दोबारा देख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 84 के बाद अपने पास आ गया आना 85 था, नंबरिंग गलत लगी, 86, चलो सवाल करने से मतलब है अपने को तो नंबरिंग का क्या लेना। कहता है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अरुण इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 170, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन हिज मार्क्स इन दीज टू
subjects is 10, then the ratio of his marks is their subject is. क्वेश्चन कहता है यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में 170 अंक प्राप्त किए, यदि उसके अंकों का अंतर दोनों विषयों में 10 है तो उनका अनुपात बताएं। अरुण का इंग्लिश और मैथ में कितना है? कुल 170 और अंतर कितना है? 10। कभी भी आपको x प्लस वाई गिवन हो, जैसे 170 दे रखा है, और x माइनस वाई गिवन हो, जैसे 10 दे रखा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई, समझ गए। आपने क्या करना है कि इसको जल्दी से जल्दी करना चाहते हो तो आप 170 में 10 जोड़ दो, ठीक है, और 170 में से 10 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 170 में 10 जोड़ा तो 180, और 170 में से 10 घटाया तो 160। 0 से 0 कट गया, 2 के पाड़े से काटा 9, 2 के पाड़े से काटा 8, तो आंसर क्या आ गया? 9:8। डिटेल में करवाते हैं। हमने कहा भी इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ कितना था? 170, ठीक है जी, और इंग्लिश माइनस मैथ्स कितना था? 10। मैथ से मैथ्स कट गया, 2 इंग्लिश बराबर कितना आ गया? 180। तो इंग्लिश बराबर कितना आ गया? 180/2। 180/2 कितना होता है? 90। यदि इंग्लिश का मान 90 आ गया, इंग्लिश का मान 90 आ गया, तो 90 इंग्लिश रख दी यहाँ पे, तो ये कितना आ गया? 80। मैथ कितना आ गया? 80। तो ही तो 170 बनेगा टोटल, तो रेशो क्या बन गया? 9:8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई? लो भी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 87 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या कहा हुआ है? देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी, 3 नंबर हैं ए बी और सी, सच दैट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ बी। हमें क्या कह रहा है कि यदि ए का दोगुना कर दिया जाए, ए का दोगुना कर दिया जाए एंड इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी, बी का 3 गुना कर दिया जाए एंड 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी, 4 टाइम्स ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी, देन द रेशियो बिटवीन ए एंड सी। ठीक है जी, ए और सी के आपको पता चल गया ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, ए का मान 3 हो गया, बी का मान 2 हो गया, फिर बी का मान 5 हो गया और सी का मान 4 हो गया, सी का मान 4 हो गया। बस अब 5 को इधर खिसका दो, 2 को इधर, 5 दिए 15, 2 चौके 8, 15:8 जो है अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, सिंपल सी बात थी ये तो बिल्कुल ही। 87 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 88। 88 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में हमें बताया गया क्या? द टू नंबर आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 96। दो नंबर हैं जिनका रेशो है 2x और 3x और इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 96। मैं यदि x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो 96/6 को बोलते हैं 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान कितना बन जाएगा? 4। यदि अपने पास x का मान 4 बन जाएगा, उसने पूछा है द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर कितना हो गया? 5x। 5x की वैल्यू 4, तो 5x की वैल्यू कितनी होने वाली है? 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी मतलब 20। समझ गए, सम मतलब जोड़ बताना है उसका। 88 क्वेश्चन हो गया। अभी 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है जी? 89 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, लो जी 89 नंबर क्वेश्चन अपने पास आ गया। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो संख्याएं 4:5 में हो जाती हैं। हमें दिख रहा है भी ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, हमारे हिसाब से तो दोनों हर बार +1 +1 हुआ है, हर बार +1 +1 हुआ है, और ये कहता है +1 नहीं 6 हुआ है, तो इसका मतलब 1:1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 6 को। तो संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो हमारे हिसाब से 3 और 4 का अंतर कितना है? 1 का। 1:1 की वैल्यू 6 है, तो 1:1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, और अंतर कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? सी। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमें? लो जी 90 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 संख्याएं दे रखी हैं 5:6:7, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जितना सिंपल क्वेश्चन होता है, जितना ट्रिकी क्वेश्चन होता है, वही पेपर में पूछे जाते हैं, जिससे बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो जल्दी जल्दी में सवालों को गलत करके आता है। तो हमने बिल्कुल प्यार से चीज़ों को सीखना है, बिल्कुल प्यार से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि किसी भी बच्चे को इसकी PDF वगैरह की ज़रूरत हो तो हमारे WhatsApp पे जुड़ के या हमारे Telegram पे जुड़ के हमारे से ये PDF ले सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो कहता भी यदि आप 5x इंटू 6x इंटू 7x करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 5670। ठीक है जी, मैं इसको 5 की टेबल से काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 4 20, 5 से कट गया। फिर मैं इसे 6 से काटता हूँ, 6 एकम 6, 5 हासिल बच गए 3 आ गया, 6 8 48, 6 9 54, 6 से कट गया। यदि मैं इसको 7 से काटता हूँ तो 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14, 7 7 49, तो एक्स की क्यूब एक्स की क्यूब का मान 27 आ गया, तो एक्स का मान कितना आ गया 3। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या कितनी थी 7x, 7 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 21। समझ गए भी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी बहुत और चीज़ों को समझना था, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को लेके, 91 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लो जी 91 नंबर क्वेश्चन आ गया जी अपने पास 91। ये भी अच्छा सवाल है, कहता है विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 7, 15, 17 विल मेक द रिजल्टिंग नंबर्स प्रोपोर्शनली। वो कहता है किस संख्या को 6, 7, 15, 17 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। तो 6/7 में कितना जोड़ा जाए और 15/7 में कितना जोड़ा जाए कि रेशो क्या बन जाए अपने पास, इक्वल हो जाना चाहिए। रेशो क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, इसको भी सोल्व कर सकते हो आप। बाय ऑप्शन करोगे तो कैसे कर लोगे, सब में 6 जोड़ो तो ये बन जाएगा 6 6 12, 6 7 13, 12 6 21, 17 6 23। तो ये रेशो नहीं बनेगा भी समानुपातिक, क्योंकि 13 और 23 का कुछ नहीं बनता आपस में। फिर मैंने 5 जोड़ा तो सब में 5 जोड़ता गया, 6 और 5 11, 7 और 5 12, 15 और 5 20, 17 और 5 22। तो ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि 12 और 22 का कोई संबंध नहीं है, 11 और 20 का कोई संबंध नहीं है। तीसरा नंबर जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 और 4 10, 7 और 4 11, 15 और 4 19, 17 और 3 20। ये भी समानुपातिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 3 जोड़ के देखते हैं, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 15 और 3 18, 17 और 3 20। तो ये बन गया ना भी 9:10। तो प्रत्येक संख्या में 6 में 3 जोड़ दो, 7 में 3 जोड़ दो, 15 में 3 जोड़ दो, 17 में 3 जोड़ दो, तो चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएंगी। समानुपातिक का मतलब ये 9:10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। समझ गए भी बातों को। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो भी 92 नंबर क्वेश्चन आपको अपने आप करना चाहिए। यदि आप बहुत आराम से चीज़ों को सीख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करो, अपने आप से सवालों को करो, फिर आपको पता चलेगा कि आपने चीज़ों को सीखा भी है या नहीं सीखा। कहता है एक गिलास में दूध और पानी 3:5 में मिलाया जाता है, इन ए गिलास मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशो 3:5। एक दूसरे गिलास में यह 6:1 में मिलाया, तो इन दोनों गिलास में मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। मैंने कहा था ना, एक वर्ड तो आएगा इस अनुपात में और एक वर्ड आएगा किस अनुपात में। तो किस अनुपात में मिलाने के लिए हम क्या करते थे कि पहले पूरे पदार्थ को एक ही प्रोडक्ट में चेंज कर लिया जाता था। जैसे मैंने इसको दूध में चेंज करता हूँ तो आप कहोगे दूध आया इसमें 3 दूध है इसमें 3 और टोटल है 8। दूसरे वाले में दूध है छः और टोटल है 7। और यदि इसे 1:1 में मिलाना है तो 1/2। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन में टोटल। इतनी बात समझ आ गई। बस अब क्या करना है, ये फ्रैक्शन रेशो को नॉर्मल रेशो में कन्वर्ट करना है। 8, 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 56 आ जाएगा। 56 को इससे गुना कर देंगे, 56 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
मार्कर चेंज कर लेते हैं जिससे अपने को चीज़ों आसान हो जाए। 56 से इसको गुना कर लेंगे और 56 से इसको गुना कर लेंगे। 56 से गुना किया तो 8 × 7 = 56, 7 × 21, तो इसकी वैल्यू आ गई 21। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, तो ये हो गया 48, 21 = 48, और इसको काटा तो 28 पे, ठीक है। अभी 48 में से 28 गए बच गए 20, 21 में से 28 गए बच गए अपने पास 7, तो आंसर आ गया 20:7, जो अपना ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन देखो 20:7, 20:7 इज ए आंसर, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले बहुत डिटेल से करवाया था, थोड़ा पीछे जाके भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से इन सवालों को करवाया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। देखो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मिक्सचर भी कवर होगा, मिक्सचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है, ये भी कवर हो रहे हैं, ये रेशो का ही एक पार्ट माना जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 170 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसमें आपका रेशो और मिक्सचर बहुत आराम से और बहुत अच्छे लेवल पे कवर हो जाएगा। बस आप इसके नोट्स बनाते जाएं कॉपी पे बहुत अच्छे लेवल पे। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर दें या हमें टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। 93 नंबर क्वेश्चन, लो जी सिंपल सा क्वेश्चन, फिर मैं कह रहा हूँ भी इसे भी अपने आप करो, रिपीट होने शुरू हो चुके हैं क्वेश्चन। आय का रेशो दे रखा है, खर्चे का रेशो दे रखा है, ये 4 रुपये कमाता है, ये 3, इसका खर्चा 3, इसका खर्चा 2, इसने 1 रुपये की बचत की, इसने भी 1 रुपये की बचत की, और वो कहता है प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करता है, तो एक रेशो की वैल्यू 60,000। तो आपसे पूछा ए की वार्षिक आय 4 रेशो की वैल्यू पूछी है, 6 × 24, 2,40,000 अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए भी, सी आंसर आंसर हो गया, समझ गए इतनी बातों को, सिंपल है क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा एक नंबर वीडियो में, पार्ट वन में, ये पार्ट फोर चल रहा है अपना, ये पार्ट फोर चल रहा है और पार्ट वन में इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ रेशो के जितने भी पार्ट आने वाले हैं आप पूरे के पूरे पार्ट को लिख लो, आप भारत का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो उसमें आप पास हो जाओगे। लो जी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर हमें क्वेश्चन कहता है भी, एक हैं गुप्ता जी और एक है उनकी पत्नी, गुप्ता जी और उनकी पत्नी। लो जी पढ़ते हैं क्वेश्चन को, गुप्ता जी व उनकी पत्नी का अनुपात 7:8 है, वजन है, गुप्ता जी 7 के हैं और उनकी पत्नी 8 की है, उनका कुल वजन 120 है, उनका कुल वजन 120 है, हमारे हिसाब से कुल वजन कितना है 15, हमारे हिसाब से टोटल वजन कितना है 15, ठीक है जी, 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा 120 को, तो एक किसको करेगा 8 को, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। अब मुझे पता चल गया भी गुप्ता जी तो 56 साल के हैं और उनकी पत्नी 64 साल की है, जायज बात है अभी 56 और 64 तक बात समझ आ गई। लो भी 56 और 64 तक आपको बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कहा गया कि यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं, तो गुप्ता जी थे कितने के 50 के, 56 के, 6 कम कर लिया तो कितना हो गया 50, तो उनका वजन 5:6 में हो जाता है, उनका वजन किस रेशो में हो जाता है 5:6 में हो जाता है। अच्छा अब ये बताओ कि ये 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा 50 को, अच्छा यदि 5 50 को रिप्रेजेंट करता है तो 6 को कौन रिप्रेजेंट करेगा 60। अब मुझे पता चल गया भी गुप्ता जी की पत्नी का वजन 60 किलो हो चुका है, ठीक है भी, था कितना 64, यदि 64 था तो कितना कम कर लिया 4 किलो। अपने से यही पूछा है कि उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करें कि कितना वजन उन्होंने घटा लिया, ठीक है जी, कितना वजन मिस्टर गुप्ता हैज़, ठीक है जी, मिस्टर गुप्ता हैज़ रिड्यूस्ड बाय, कितना वजन उन्होंने घटा लिया, तो 4 किलो वजन उन्होंने घटा लिया। समझ गए भी इतनी बात को, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, लो जी ये सेम क्वेश्चन अपना पहले हो चुका है 95 नंबर, फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई रिपीट होने शुरू हो चुके हैं, आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को बहुत आराम से देखें, ये अपना पार्ट 4 चल रहा है, पार्ट 4 में क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो चुके हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 को बहुत आराम से पहले आप देख लो, नोट कर लो, पीडीएफ ले लो
और सवालों को अपने आप करो। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन बन सकते थे रेशो के मैंने सारे बना के आपको दे दिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेल की पहली श्रेणी व दूसरी श्रेणी का किराया 4:1 है। अब सिंपल सी बात है कि भैया एसी में जाते हैं तो 4 रुपये लगते हैं और नॉन एसी में जाते हैं जनरल में जाते हैं तो 1 रुपया लगता है बस। जैसे ही यात्रियों ने देखा भी इस डब्बे में घुसूंगा तो 4 रुपये लगेंगे और इस डब्बे में घुसूंगा तो 1 रुपया लगेगा, तो यात्री क्या गया, इस ये जो पैसे वाला था वो तो इसमें घुस गया और जो जनरल थे बेचारे गरीब थे वो किस में घुस गए जिसमें 1 रुपया किराया लगना था। अब ट्रेन का जो टिकट इकट्ठी कर रहा था पैसे ले रहा था उसकी जेब में कितना पैसा आया, जिस डब्बे का किराया 4 रुपये था उसमें घुसा एक व्यक्ति तो उसमें से तो 4 रुपये आ गए। जिस डब्बे का किराया 1 रुपये था उसमें 40 जने घुस गए तो उसका टोटल किराया कितना हो गया 40, 4 और 40 कितना हो गया 44। हमारे हिसाब से पैसा इकट्ठा हुआ 44, ठीक है जी, हमारे हिसाब से 44 रुपये इकट्ठे हुए और ये कह रहा है कितने रुपये इकट्ठे हुए 110। 44 = 110, 11 × 44, 11 से इसको काटा तो 100 बार कट गया, 1 = 25। यदि 1 = 25 हो गया तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया 4 रेशों में प्राप्त हुआ था, 1 = 25 तो 4 = 100, 4 × 25, समझ गए भी बातों को, तो अपना आंसर आराम से आ गया। तो प्रथम श्रेणी का किराया 100। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि द्वितीय श्रेणी के किराए में कितने रुपए मिले अपने को, द्वितीय श्रेणी का किराया कितना प्राप्त हुआ, कमेंट बॉक्स में बताएं द्वितीय श्रेणी का किराया कितना प्राप्त हुआ। 95 हो गया जी, 96 सिंपल सा क्वेश्चन है अभी। 96 3x 5y 3x 5y 4z, आपने क्या करना है 3, 4 और 5 का एलसीएम लेके, 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, इसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो तीनों को, जैसे ही 60 से डिवाइड करोगे ये कटेगा 20 बार, ये आपका कटने वाला है 20 बार, 5 कटेगा इस पे तो 12 बार और 4 कटेगा तो 15 बार, तो आंसर आ जाएगा 20, 12, 15, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बस समझ गए बात को। एक और तरीके से भी कर सकते थे अपन क्वेश्चन को, अपने पास क्या लिखा हुआ था 3x = 5y, तो x का मान होना चाहिए 5 और y का मान होना चाहिए 3, x का मान 5 a में नहीं दिख रहा अभी मुझे तो, ना ही मुझे d में दिख रहा है और इसमें मुझे दिख रहा है c में, पर यदि मुझे x का मान 5 दिख रहा है तो मुझे y का मान 3 नहीं दिख रहा, सही है, समझ गए अभी बात को, ये 5 दिख रहा है तो ये 3 के रेशो में नहीं है ना, समझ गए, यदि आप इसे 5 के पार्ट से काटो भी तो 3:2 बनता है, अपने को 5:3 चाहिए, x और y का 5:3 चाहिए, तो वो कौन से ऑप्शन में बन रहा है अभी, बी ऑप्शन में बन रहा है 20:12 को आप काट के देखो, ठीक है जी, 20:12 को 4 के पार्ट से काटोगे ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 3, तो भी अपना आंसर आ जाता 20:12:15। 96 हो गया जी। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लो भी अच्छा क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक चीज़ सीखनी है कि आपके पास आ गया 2/(1/2 − √3, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कभी भी आपके पास ऐसा डाटा आता है तो आपने इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है और दोनों का डिफरेंस देखना है कितने का, यदि दोनों का डिफरेंस 1 का आ रहा है तो इसका कंजुगेट या संयुग्मी या इसके इक्वल आप क्या लिख सकते हो 2+√3, माइनस को हटा के क्या कन्वर्ट कर सकते हो +3। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि ऐसा कर क्यों सकते हैं, ठीक है जी, आपके पास पड़ा था 1/(2 − √3, आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दें 2+√3 2+√3, नीचे फॉर्मूला बन गया a + b a - b, a + b a - b कितना होता है a² - b², 2 का स्केयर, फिर वही बात 2 का स्केयर - √3 का स्केयर, √2 का स्केयर होता है 4, √3 का 3, 4 में से 3 गया 1, नीचे 1 बन गया ऊपर 1 का ये बना रहेगा, इन दोनों को काट के यदि 1 भी लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2+√3।
3। तो अपने पास दिया क्या हुआ, ए प्लस बी रूट थ्री बराबर 2 प्लस रूट 3। बस अब इसको क्या करना है, कंपैरिजन करनी है। रूट थ्री के साथ यहाँ पे एक माना जाएगा और रूट थ्री के साथ यहाँ पे बी माना जाएगा, तो बी का मान तो हो गया 1:1 प्लस के प्लस के बाद यहाँ पे आपको ए माना जाएगा, प्लस के बाद यहाँ पे आपको ए माना जाएगा और यहाँ पे 2 माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ए रेशो बी कितना होने वाला है, 2:1 होने वाला है। ठीक है जी, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 98 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, बताना ही बताना है जी, बताओगे इसका आंसर क्या आने वाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करना है आपने, बहुत आराम से, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 98 का आपका आंसर क्या आएगा, ए बी सी या डी। डी आपका छपा ही नहीं हुआ तो आप बता देना, यदि इन तीनों में से ना हो तो अपना आंसर लिख के बता देना कि आंसर क्या आएगा। 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 98 99 99 भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर भी क्या आने वाला है। अभी अभी करवाया थोड़ा टाइम पहले ही, मतलब 3-4 सवाल यदि बैक करें तो ये सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, आपने इसका बताना है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ए बी सी डी में से ना मिले तो अपना आंसर बताना है आपने कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है जी, अपने पास लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज 100, 100 नंबर सवाल। 100 नंबर सवाल को सीखने से पहले मैं एक बार और बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पढ़ते टाइम आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें, यदि आपको लगता है कि किसी और चैप्टर की वीडियो बनानी चाहिए तो उसके बारे में बताएं, या कोई आपको ऐसा लगता है सर ऐसे नहीं ऐसे करवाओ तो भी हमें ज़रूर लिख के बताएं अपने कमेंट बॉक्स में, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दें। लो जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमें क्या कहता है कि 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5। अच्छा मुझे ये बताओ, जो 4 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 3.5 और इधर है 2 की पावर 5। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3.5 का डबल करोगे तो 2 की पावर 7, और ये बन गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 2 की पावर 7 से कटेगा तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, तो आंसर आ जाएगा 4:1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ए आंसर हो गया 4:1। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।